नमस्कार दोस्तों, रीट वैकेंसी 2019 से संबंधित अपडेट है कि रीट 2019 पात्रता परीक्षा कब होगी। दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट है, मुझे ये अपडेट मिली थी जी न्यूज राजस्थान के ऑफिशियल ट्यूटर से। तो चलिए दोस्तों इस पर चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जी न्यूज राजस्थान, जयपुर, 2 साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार। 2017 में रीट के लिए निकाली गई थी विज्ञप्ति, 2 साल बीत जाने के बाद नहीं निकाली विज्ञप्ति। एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से हर साल पात्रता परीक्षा होनी अनिवार्य है। यानी दोस्तों टेट का जो पेपर होता है, टेट TET टीचर एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये, तो ये परीक्षा दोस्तों हर साल होनी अनिवार्य होती है NCT के नियमों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों अब 2 साल बीत चुके हैं, फिर भी रीट या RTET की परीक्षा अभी तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। तो अभी तक तो अपन यूँ मान लेते हैं कि ये अभी आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन आचार संहिता जैसे ही हट जाएगी उसके तुरंत बाद RTET या रीट का ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया जाएगा, यानी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को इस साल हर हाल में रीट या RTET जो भी पात्रता परीक्षा करवानी है वो हर हाल में करवानी होगी। तो आप तैयारी के लगे रहिए, बहुत जल्द रीट और RTET की विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। तो दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ रही थी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।